Most welcome all of you. You are watching my channel Flora Academy and I am Jill Batham. This chapter has been taken from Flamingo, class 12th. Your poem name is Aunt Jennifer's Tigers. So our first question is, how do denizens and chivalric add to our understanding of the tiger's attitude? Iske andar jo shabd use kiye gaye hain डेनिजेंस एंड चवालरिक जो शब्द हैं वो इस पोएम के अंदर हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है टाइगर के प्रति जो एटीट्यूड है वो किस प्रकार का दर्शाती है. आंसर, फ्रॉम दीज वर्ड्स, इन शब्दों से वी लर्न, हम सीखते हैं कि द टाइगर्स आर, जो टाइगर्स जो हैं आर द डेनिजेंस ऑफ द फॉरेस्ट, वो फॉरेस्ट के निवासी हैं. डेनिजेंस निवासी. दे आर नॉट ओनली ब्यूटिफुल, वो खूबसूरत ही नहीं है बट ऑल्सो फ्री, वो फ्री भी हैं, बोल्ड भी हैं एंड ग्रेसफुल, खूबसूरत भी हैं. दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ मैन, वो लोगों से डरते नहीं हैं. क्वेश्चन नंबर टू है, वाई डू यू थिंक आंट जेनिफर्स हैंड्स आर फ्लटरिंग थ्रू हर वूल? आपको क्या लगता है या आप क्या सोचते हैं कि आंट जो जेनिफर के जो हाथ हैं फ्लटरिंग, वो कांप रहे हैं जब वो बुनाई करती है ऊन की. इन द सेकेंड स्टेंजा के अंदर बताया गया है, वाई शी फाइंडिंग द नीडल सो हार्ड टू पुल, वो नीडल्स को, सलाई जिसको बोलते हैं, चलाने में मुश्किल क्यों महसूस कर रही है, क्यों करती है? आंसर, आंट जेनिफर्स इज अ वीक एंड सबमिसिव, जो आंट जेनिफर है वो कमज़ोर है एंड सबमिसिव लेडी है. सबमिसिव कह सकते हैं अपने सीधी सादी भोली भाली. हर हस्बैंड सीम्स टू हैव डोमिनेटेड ओवर हर, और उसका जो पति है वो एक तरीके से उसके ऊपर शासन करने वाला ही हम कह सकते हैं, जिस पर हम हावी रहते हैं, हावी रहने वाला है, हावी रहता है उसके ऊपर, दिखाई देता है इस पॉइंट के अंदर. ओवर हर इन एवरीथिंग, जो कुछ भी वो करती है, शी डस, जो कुछ भी वो करती है. शी हैज़ बीन टेराइज्ड बाई हर, टायरानिकल हस्बैंड, ये डबल एम नहीं, डबल एन है यहाँ पर, एम नहीं. शी हैज़ बीन टेराइज्ड, वो डरी होती है, बाई हर टायरानिकल हस्बैंड, जो परेशान करता है उसे हम टायरानिकल बोलते हैं. अगर हम एक पर्टिकुलर शब्द की बात करें तो निर्दयी. शी इज़ कन्फ्यूज्ड एंड नर्वस, वो कन्फ्यूज भी रहती है और नर्वस भी रहती है. हर हैंड्स आर, उसके जो हाथ हैं, देयरफॉर, इसलिए शेकी, कांपते रहते हैं, शेकी. दे डिड द निडल हार्ड टू पुल, और वो जो भी निडल चलाती है, पुल करती है, वो मुश्किल महसूस करती है. वेन शी इज़ डूइंग हर एम्ब्रॉयडरी, जब वो बुनती है उस समय निडल को बहुत ही मुश्किल से गढ़ा पाती है. यहाँ भी चेंज करें, दे डिड द निडल, एक्चुअली डिड नहीं है ये, फाइंड, दे फाइंड मतलब हाथ, दिस मतलब यहाँ पे हाथ हुआ. फाइंड द निडल हार्ड टू पुल, इसलिए हाथ जो हैं वो मुश्किल से निडल को चला पाते हैं. वेन शी इज़ डूइंग हर एम्ब्रॉयडरी, जब वो बुनाई करती है. थर्ड है आपका, व्हाट सजेस्टेड बाय द इमेज, इमेज के द्वारा क्या हमें जानकारी मिलती है, क्या सजेशन मिलता है? मिसी वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, ये लाइन पॉइंट में से उठाई गई कि मासिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, मतलब शादी के समय जो अंकल के बैंड जो हैं भारी भरकम, उसके जो हाथों के लिपटे हुए, उससे क्या हमें पता चलता है, उसका क्या प्रतीक है? आंसर, आंट जेनिफर इज अ मीक लेडी, आंट जो जेनिफर जो है वो यहाँ पे भी मीक शब्द का जो है सीधी सादी भोली भाली लेडी है.
वेड टू अ हार्ड हार्टेड डिक्टेटर, जो कि एक कठोर दिल वाले तानाशाही डिक्टेटर से उसकी शादी वेडेड शादी हुई है। हर मैरिज टू द ट्राइनिकल अंकल, उसकी शादी एक ट्राइनिकल अंकल से हुई है, निर्दयी अंकल से। हैज़ बीन अ हैवी बर्डन टू हर, जो कि उसके लिए बहुत ही बर्डन है, एक बाधा के रूप में। विच शी मस्ट कैरी, जो कि उसको ढो के रखती है। हर मैरिड लाइफ हैज़ प्रूव्ड टू बी अ वर्चुअल हेल, एक्चुअल में उसकी मैरिड लाइफ जो है वो साबित हुई है कैसी, वर्चुअल हेल के रूप में हुई, मतलब एक वास्तविक नर्क के रूप में साबित हुई है। उसके बाद आपका नंबर फोर है ऑफ व्हाट और ऑफ होम, क्या और क्यों, किसको, किसके लिए। इज आंट जेनिफर टेरिफाइड, आंट जो जेनिफर है वो डरी हुई है। इन द थर्ड स्टेंजा के अंदर आंट जेनिफर स्टिल रिमेंबर्स, आंट जेनिफर को अभी भी याद है। द हार्ड्स एक्सपीरियंसेस, वो मुश्किल भरे अनुभव। हार्श, एस के बाद एच को लगाएंगे। ऑफ हर मैरिड लाइफ, उसके शादीशुदा जीवन के बारे में। हर हस्बैंड हैज़ बीन क्रूअल टू हर, उसका जो पति है उसके लिए निर्दयी रहा है। ही हैज़ मेड हर लाइफ अ बर्डन टू हर, उसके पति ने उसका जीवन उसके लिए एक बर्डन, बोझ बना दिया उसी का जीवन। ओडियल्स हैव कम्प्लीटली क्रस्ड हर पर्सनैलिटी, ओडियल्स हैव कम्प्लीटली, ओडियल्स, ओडियल्स से मतलब होता है जो उसके जीवन की मुश्किलें हैं, उन मुश्किलों ने, जीवन की जो परीक्षा हैं उन परीक्षाओं ने उसका व्यक्तित्व पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। क्रस्ट, पर्सनैलिटी को बुरी तरह से नष्ट कर दिया है। इट सीम्स, ऐसा लगता है कि इवन डेथ विल नॉट फ्री हर फ्रॉम हर फियर्स, यहाँ ऐसा भी लगता है कि उसकी मृत्यु भी जब आएगी, मृत्यु भी उसके डर को खत्म नहीं कर पाएगी। नंबर फिफ्थ, व्हाट आर द ओडियल्स, ओडियल्स क्या है। आंट जेनिफर इज सराउंडेड बाय, आंट जेनिफर जिससे घिरी हुई है। व्हाई इज इट सिग्निफिकेंट दैट द पोएट यूजेस द वर्ड रिंगेड, यहाँ पे जो पोएट ने रिंगेड शब्द यूज़ किया, रिंगड, वो किसका एक सिग्निफिकेंट है, क्या दर्शाता है, उसका क्या मतलब है। व्हाट आर द मीनिंग ऑफ द वर्ड, यहाँ पे रिंगड जो शब्द है उसका मतलब भी क्या है, और इस रिंगड शब्द का पोएट ने एक महत्वपूर्ण तरीके से बताया है प्रयोग करके, क्यों। आंसर, आंट जेनिफर्स मैरिज टू द हार्ड हार्टेड अंकल, आंट जेनिफर की जो शादी है एक कठोर अंकल से हुई। हैज़ बीन अ सोर्स ऑफ एक्सपीरियंस टू हर, जो कि एक अनुभवों का वो माध्यम रहा है उसके लिए, टू हर। द वेडिंग रिंग इज सिंबोलिक, सिंबोलिक, जो शादी की जो रिंग है वो प्रतीक है ऑफ हर अनहैप्पी मैरिज, नाखुश शादीशुदा जीवन का एक प्रतीक है, चिन्ह है। द रिंग विल बी देयर ऑन हर फिंगर, रिंग जो है उसके फिंगर में हमेशा बनी रहेगी, फिंगर, एवर आफ्टर हर डेथ, उसकी मृत्यु के बाद भी। इट सीम्स, ऐसा लगता है शी विल नॉट बी रिलीव्ड ऑफ हर टेरर्स, टेरर्स, वो अपने टेरर से रिलीव्ड, मुक्त नहीं हो पाएगी, इवन आफ्टर हर डेथ, यहाँ तक कि मृत्यु के बाद भी। नंबर सिक्स है, व्हाई डू थिंक आंट जेनिफर, क्रिएटेड एनिमल्स, व्हाई डू थिंक आंट जेनिफर क्रिएटेड एनिमल्स, आप ऐसा क्यों सोचते कि आंट जेनिफर ने एनिमल्स को बनाया है, दैट आर सो डिफरेंट फ्रॉम हर ऑन करेक्टर, जो कि उनके खुद के करेक्टर से भी नहीं है, वॉन नहीं ऑन है।
What might the poet be suggesting through this difference? इस अंतर से पोएट जो है क्या कहना चाहता है या क्या कहना चाहती है इसके अंदर. आंट जेनिफर हैज क्रिएटेड टाइगर्स. आंट जेनिफर ने टाइगर्स बनाए सो डिफरेंट अलग अलग फ्रॉम हर ऑन करेक्टर अपने चरित्र मतलब जैसा उसका खुद का जो चरित्र है उसके बिल्कुल भिन्न अलग बनाए हैं. इट वॉज जस्ट टू गिव एक्सप्रेशन. यही चीज सिर्फ अनुभवों को दर्शाती है एक्सप्रेशन को दर्शाती है टू दिस सप्रेस्ड विश. उसकी जो इच्छाएं जो है उनको सप्रेस दबा दिया गया है इस चीज़ को दर्शाती हैं. दैट शी क्रिएटेड एनिमल्स. जो उसने एनिमल्स बनाए हैं उनको देखते हुए सच एज टाइगर्स जैसे कि टाइगर्स दैट वर सो डिफरेंट फ्रॉम हर ऑन करेक्टर जो कि उसके खुद के करेक्टर से अलग हैं. ऑन करेक्टर शी सजेस्ट दैट वो ये कहना चाहती है कि दैट वुमेन शुड बी बोल्ड एंड स्ट्रॉन्ग. औरत को निर्भीक और मजबूत होना चाहिए. नंबर 7. डू यू सिंपथाइज विद आंट जेनिफर. क्या आप आंट जेनिफर से सहानुभूति रखते. व्हाट इज द एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर टुवर्ड्स आंट जेनिफर. यहाँ पे जो वक्ता है कवि जो है उसका जो स्वभाव है एटीट्यूड है वो आंट जेनिफर के लिए कैसा है. पहला तो डू यू सिंपथाइज विद आंट जेनिफर. यस हाँ आई सिंपथाइज विद हर. मुझे उनसे सहानुभूति है. शी इज़ अ मीक एंड टीम्ड लेडी. क्योंकि वो एक भोली भाली और टीम्ड डरी हुई लेडी है. हु इज़ ऑप्रेस्ड बाई हर ट्राइनिकल हस्बैंड. जो कि उसके निर्दयी पति के द्वारा ऑप्रेस्ड उसको दबाया गया है उसका शोषण किया गया है. शी इज़ वमेन ऑफ आर्टिस्टिक टेस्ट. वो एक कलात्मक टेस्ट की लेडी है रुचियाँ कलात्मक रुचियाँ रखने वाली लेडी है. शी इज़ अडेप्ट इन द आर्ट ऑफ एम्ब्रॉयड्री. मतलब उसे एम्ब्रॉयड्री जो है बुनना जो है बहुत पसंद है उसकी उसमें बहुत ही रुचि है. शी इज़ अडेप्ट मतलब वो निपुण है इन द आर्ट ऑफ एम्ब्रॉयड्री के अंदर. शी एक्सप्रेसेस हर इनर मोस्ट फीलिंग्स थ्रू इट. वो इस एम्ब्रॉयड्री के माध्यम से अपनी दबी हुई जो फीलिंग्स है उसको दर्शाती है. लास्ट लाइन द स्पीकर ओनली पिटीज हर. लेखक उस पर सिर्फ दया करता है. शी हैज़ फेल्ड इन द आर्ट ऑफ लाइफ. क्योंकि वो जीवन की कला में असफल हो गई है. विद ए लिटिल करेज थोड़े से साहस के साथ शी कुड हैव ब्रोकन हर चेन्स. अगर वो थोड़ा सा साहस कर लेती तो वो अपनी इस चेन को जिसके माध्यम से वो बंधी हुई है अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रही है उसे तोड़ सकती थी. बट शी हैज़ नन. लेकिन उसने कुछ भी नहीं किया वो कुछ भी नहीं कर पाई.